नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, बच्चों को आधुनिक तकनीक से शिक्षा देने के साथ प्रत्येक अभिभावक की काउंसलिंग के साथ ही बच्चों को नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारियां बरम स्थित आस्था विजन एकेडमी में कराई जा रही हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर विद्यालय द्वारा एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य भुवन चंद्र द्वारा बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ ही नई तकनीक से शिक्षित करने की पहल को अनुकरणीय बताया गया। जिला बाल कल्याण समिति सदस्य जगदीश कॉलोनी और रेखा रानी ने बच्चों को गुड टच, बैड टच, बालकों के प्रति लैंगिक अपराध, पॉस्को एक्ट, बाल विवाह अधिनियम सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष ललिता चंद, कौली के प्रधानाचार्य दीपक बिष्ट, बलवान सिंह, रुकमा देवी, विद्यालय प्रधानाचार्य पीएस धामी, ममता बोरा, निर्मला, शिवानी चौहान, गोविंद राम, एनएस बोरा, कविता हेमा सहित कई लोग मौजूद थे। संचालन प्रबंधक उमेश सिंह द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के अस्कोट में आयोजित मल्लिकार्जुन क्रिकेट प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता में आज सेमीफाइनल मैच आईटीआई अस्कोट और बसिरा के मध्य खेला गया, जिसमें शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मैच आईटीआई अस्कोट ने जीत लिया। मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए राहुल ने 4 और रोहित ने 3 विकेट लिए। इससे पूर्व मैच के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह खोलिया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच शुरू करवाया। इस अवसर पर कई क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार पुलिस द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। जिले को पुलिस मुख्यालय से प्राप्त इंटरसेप्टर वाहन, जिसमें ऑनलाइन चालान आदि सुविधाओं से युक्त वाहन को आज पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में वाहन से सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुटियाल, प्रतिसाद निरीक्षक महेश चंद्रा, उप निरीक्षक यातायात ज्योति प्रकाश आदि उपस्थित थे। पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार चरस, स्मैक व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी करने, नशीली दवाइयों का गलत इस्तेमाल करने वालों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने को लेकर गठित ANTF, ASTU, BDS, SOG और LIU संयुक्त टीम द्वारा उप निरीक्षक प्रवीण सिंह की अगुवाई में जिला मुख्यालय में चेकिंग अभियान चलाते हुए संदिग्ध व्यक्तियों, होटलों, ढाबों की चेकिंग की गई। इधर अवैध शराब परिवहन करने व ढाबों व होटलों में शराब पिलाने पर उगला चौकी प्रभारी अनिल आर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान लोकेश कफलिया को स्कूटी से 2 पेटी बियर परिवहन करने पर गिरफ्तार किया गया। प्रभारी निरीक्षक अस्कोट संजीव कुमार द्वारा चेकिंग के दौरान सेरा गाँव के निकट एक होटल में शराब पिलाने व बेचने पर देवेंद्र सिंह को 11 बोतल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त शराब पीकर हुड़दंग करने पर 12 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम में कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त SOG व पुलिस की संयुक्त टीम ने डीडीहाट कोतवाली में धारा 186, 187, 504 व 506 भादवी में पंजीकृत मुकदमे के फरार 5000 के इनामी आरोपी प्रकाश सिंह निवासी डीडीहाट को दबिश देकर मुंबई से गिरफ्तार किया। संयुक्त टीम में उप निरीक्षक दिनेश चंद्र, हेम तिवारी, मनोज पांडे, कांस्टेबल देवेंद्र बिष्ट, हेमचंद्र व कमल सिंह शामिल थे। पिथौरागढ़ के पुरान क्षेत्र के बुंगा गांव में आज एक महिला पर गुलदार ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया। महिला के हल्ला मचाने व आसपास के लोगों द्वारा जोर जोर से हल्ला करने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बीरेन बोरा द्वारा शीघ्र घायल महिला को वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बुंगा गांव निवासी कमला देवी पत्नी महेंद्र सिंह, उम्र 33 वर्ष, जानवरों के लिए घास काटने जंगल गई थी। इस दौरान अचानक झाड़ियों में घात लगाकर बैठे गुलदार ने कमला देवी पर हमला कर दिया। महिला द्वारा जोर जोर से हल्ला मचाने व आसपास के लोगों द्वारा भी हल्ला मचाने से गुलदार जंगल की ओर भाग गया। हमले में महिला गंभीर घायल हो गई, जिसे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बीरेन बोरा द्वारा अस्पताल भिजवाया गया और स्वयं अस्पताल पहुंचकर महिला का हाल जाना। घटना की सूचना पर DFO ने अस्पताल पहुंचकर महिला का हालचाल जाना और ग्रामीणों की मांग पर गांव में पिंजरा लगाने को लेकर उचित कार्रवाई करने की बात कही। दिन दहाड़े महिला पर हुए गुलदार के हमले से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों ने शीघ्र वन विभाग से उचित प्रबंध किए जाने की मांग की है। अभी तुरंत से यहाँ पर DFO साहब आए, उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को कह दिया कि वहाँ पर पिंजरा लगाए और जो भी मुआवजा मिलेगा तो उसको तुरंत राहत दिया जाएगा। और आगे को भी DFO साहब का कहना है कि आगे को भी क्षेत्र में वन विभाग की टीमें जाएंगी और जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ होंगी तो वहाँ पर पिंजरा लगाया जाएगा।
पिथौरागढ़ के झूलाघाट के बटेड़ी गांव में आज दो सिलेंडरों में गैस मानक से कम निकली, जिसकी शिकायत पर दोनों सिलेंडरों का वापस भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार आज बटेड़ी में गैस वितरण के दौरान सिलेंडर हल्के लगने पर उपभोक्ता द्वारा वजन कर बताया गया, जिसकी जानकारी गैस प्रबंधक झूलाघाट को दी गई। सूचना मिलने पर गैस प्रबंधक द्वारा सिलेंडर को वापस प्लांट को भेज दिया गया। गैस प्रबंधक ने बताया कि गैस सिलेंडर में गैस कम होने की शिकायत मिली थी, जिसे वापस भेजने की कार्रवाई की गई है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।